वेलकम गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो यार आज मैंने सोच लिया है कि यार आज हम अपना घर बनाएंगे। तो यार सबसे पहले यार मैंने जो है 14 एप्पल बहुत मेहनत से जुगाड़ करके मैंने जो है यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है, और मुझे अपने घोड़े को भी खिलाना है और ख़ुद भी खाना है। तो यार काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। तो या तो अपन जो है यहाँ पे आ चुके हैं अपने इस प्लेस में। भाई अगर मैं कोऑर्डिनेट से आज ऑन ही रखता है ना, तो यार मैं सच में अपनी जगह भूल जाता। कोऑर्डिनेट्स को फॉलो कर करके मैं आया हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये मानेगा क्या, एक मिनट उसको लेके देखते हैं, क्योंकि अभी अपने पास एप्पल है और अगर ये किसी मुसीबत में पड़ गया और ये घोड़ा अगर मर गया तो भाई ये एक और घोड़ा चाहिए ना। अरे इसको क्या हो गया। अच्छा एक साथ दोनों अटैच नहीं होते क्या, एक मिनट करके देखना पड़ेगा। ओके तो ये यार एक साथ ये अटैच नहीं होता है, तो यार ये प्रॉब्लम है इसकी। तो कोई बात नहीं भाई, तू जा सकता है। सॉरी यार, वैसे अभी हम कर भी कह सकते हैं। सो या अभी यार सबसे पहले मैं खा लेता हूँ कुछ। मुझे कैरेट्स नहीं मिले यार, वरना मैं लाता। तो बस अभी ठीक है यार। अब मैं सोच रहा हूँ यार घर कहाँ पे बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है कहीं रूइन पोर्टल भी है और मतलब सब कुछ सही है यार। मतलब अपन नेदर में भी जा सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं अपन। तो मैं बोल रहा हूँ यार यही कहीं अपन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है यार वही वुड्स वगैरह कलेक्ट करने होंगे, वही सब चीज़ें अपन को करना पड़ेगा फटाफट से यार। इसको क्या हो गया यार ये फालतू। अच्छा ये है, मैं वही बोलूँ भाई मेरे को मार कौन रहा है भाई। तो अरे यार बारिश क्यों आई भाई, मेरे को लगा कि यार वो जल जाएगा। शीट 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 भाई, भागो 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 यार, क्या है यार। मेरे को लगा कि यार मतलब ये सूरज की रेसे वो जल जाएगा, बारिश रुक गई। शीट भाई भागो 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 यार। हैं चला भी गया, जाओ क्या, रिस्क लेना अच्छी बात तो नहीं है, बट यार जाके देखते हैं अपन। तलवार वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ अपन ये सब कुछ चेस्ट प्लेट अपन पहन लेते हैं, लेदर की कैप एकदम भाई अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट यार कर भी कह सकते हैं, वापस ज़ॉम्बी और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ऊपर से मैं इतना बड़ा नूब भी हूँ। सो या सबसे पहले यार अपन को कहाँ पे, यही पे तो था, यही कहीं तो था। अरे उस गड्ढे में गिर जाऊंगा, छोड़ो यार अपन को क्या करना है। वैसे हाँ यार मुझे भी घर बनाना ही चाहिए यार। ये पहले अपन बेड रख देते हैं रिस्पॉन। अच्छा मुझे लगा कि यार अपन इस बारिश के मौसम में भी सो सकते हैं। तो गाइस यार मौसम जो है बिल्कुल साफ हो गया है और अभी शाम होने को आ रही है। तो यार फटाफट से यार अपन जो है अभी सो जाते हैं। तो यार हाँ फटाफट से अपन सो जाते हैं। ओके सुबह हो गई है एंड यार फटाफट से अपन को जो है भी काम को लग जाना है। तो गाइस अभी जो है जब मैं पेड़ को तोड़ रहा था तो तब मुझे एक बहुत कमाल की चीज़ दिखी है, बताता हूँ मुझे एक मिनट। ये देखो आपको बताता हूँ एक मिनट। यार बारिश हो रही है, रुक जाओ गाइस। जब मैं ये पेड़ तोड़ने जा रहा था तो वहाँ पर जो है मुझे एक बढ़िया सा विलेज मिला था कुछ यहाँ पर, आपको बताता हूँ। काफ़ी ज़्यादा पास है, मतलब भाई कैन यू इमेजिन, दो विलेज इतने पास है। वैसे आपको दिख नहीं रहे होंगे, आपको दिखाता हूँ। जब मैं पेड़ तोड़ने के लिए जा ही रहा था तो तब मुझे एक विलेज मिला। मैं अब तक उस विलेज में नहीं गया हूँ। मैंने सोचा यार रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं और आपको बताता हूँ कि यार कितना मस्त विलेज होगा। वैसे आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा विलेज हो भी सकता है, क्योंकि यार देखो अगर ऐसा मौजूंग वालों ने ही बोला है शायद कि अगर एक साथ दो विलेज होते हैं मतलब अगल बगल में, तो वो दोनों इतने बड़े भी नहीं होते। वो वाला विलेज देखा अपना वाला, वो इतना भी बड़ा नहीं है और शायद ये भी बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ बस मैं यहाँ तक ही आया था और मुझे जो है ये विलेज मिला। मैंने बोला यार थोड़ा चलो यार अपन पेड़ काट ही रहे हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर भी कर अपन लेते ही है। तो ऐसे मैं ऐसे आया, फिर ऐसे रेंगते रेंगते फिर बाद में मुझे ये मिला ये सब। तो हाँ छोटा सा ही है।
सोया इस विलेज में जो है कुछ भी नहीं होगा आई थिंक। वैसे इसमें तो इस घर में चीज तो था ही नहीं, तो यार देखते अपन इस वीट में अपन को कुछ मिलता है या नहीं। लेट्स सी अबे हमें मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे अपन आ चुके हैं और देखते हैं कि हमें ये सब जो है मिलता है या नहीं। तो अच्छा मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई इसलिए ये शायद आ नहीं रहा होगा। तो फटाफट से जो है अपन अपनी इन्वेंट्री में जो है ये सामान निकाल लेते हैं। ये कॉबल स्टोन पड़ा हुआ है इससे मैं क्या ही कर लूँगा। तो यार सबसे पहले अपन जो है इसे फेंक देते हैं। तो कुछ ऐसे एक मिनट फेंक दिया। ओके फटाफट। अरे यार ये आ क्यों रहा है यार बार बार। शेट मैं कुछ समझ नहीं रहा है आइडिया। एक मिनट फेंक दिया। ये बात सही है। फटाफट से चीज़ें जो है गाइज मैं फटाफट से कलेक्ट कर ही लेता हूँ। एंड यस सही है। ये गाय बीच पे क्यों आ रही है यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एक चीज़ यार बीच में क्यों आ रही है ये गाय, बीच में क्यों आ रही है गाय समझ नहीं रहा है। बीच बीच में कर रही है यार ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। शिट। अच्छा शायद मेरे पास ऐसा वीट है इसलिए शायद वो आ रही होंगी क्योंकि मेरे पास वीट है। तो यार फटाफट से वीट को कलेक्ट कर ही लेता हूँ। अभी समझा भाई ये इसे बीच बीच में इसलिए कर रही है क्योंकि मेरे पास वीट है और गाय को वीट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी ऐसा है क्या। सही है यार। तो यार फटाफट से जो है अपन इन चीज़ों को फेंक देते हैं और अपन ले लेते हैं। और यार लेट्स एक्सप्लोर यार इन विलेजर्स के घरों को एक्सप्लोर करते हैं। और इस घर में तो भाई हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें मिलते ही है, हमेशा मिलती अच्छी अच्छी चीज़ें। देखते हैं। ओके तो हमें आयरन की चीज़ें मिली जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है यार। कुछ कुछ चीज़ें हमें लेना होगा और कुछ कुछ चीज़ें हमें छोड़ना होगा। ठीक है भाई सही है। और यार मस्त मस्त चीज़ें मिले हैं यार दूसरे दिन में ही। और यार डायमंड की अभी कोई होप तो है नहीं, मैं आराम से सब चीज़ें अभी निपटाऊंगा। पिछले वर्ल्ड में बहुत जल्दबाजी कर रहा था, इतनी जल्दी नेदर पोर्टल भी बना लिया है, बहुत जल्दी बाज मतलब बहुत जल्दी जल्दी में कर रहा था। इस बार गाइस अपन जो है सब कुछ करेंगे लिटरली। मतलब विदर को मारेंगे, एंडर ड्रैगन को तो मारेंगे मारेंगे, वुडलैंड मैंशन एक्सप्लोर करेंगे, ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे, मतलब सब कुछ करेंगे। ऐसे मेरा ये सब ये है कि अगले एपिसोड में मैं ट्रेडिंग हॉल बनाऊं क्योंकि यार देखो ये वाला भी विलेज है और वो वाला भी विलेज, मतलब दोनों विलेजर्स को मिला कि भाई कितना मस्त एकदम ट्रेडिंग हॉल बन सकता है आप सोच ही सकते हो। और सबके घर से एक बेड उछल के भाई रख देंगे। सही है। तो ठीक है भाई ये सब अब हो ही गया है। और ये वो कैरेट मिल गया अपन को। यहाँ पे भी वो लामा है। और चलो यार इनको मारते हैं। ये लोग अपन पे थूकी गई बट यार लीड तो मिल जाएंगी। चलो यार फटाफट मारते हैं। यार ये मार रहे मेरे को, थूक रहे मेरे पे। लीड ले ले भाई। चल तीन हो गए अपने पास। सही है। भूल गए क्या ये इनके मालिक को मारा तो। तो चलो फटाफट से राइड इस पे हम बैठ सकते हैं बट भाई आगे कैसे चलेंगे। इसके लिए भी वो सैडल चाहिए भाई। कैसे होता है सैडल मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो यार फटाफट से यार अपन को कैरेट भी मिल रहा है वो बाद में ले लेंगे। उससे पहले जो है अपन को एक्सप्लोर करना है। ये क्या कर रहे हैं मेरे को पता नहीं। यहाँ पे गाय है और बस मेरे को समझ नहीं आता जब जो गाय ऐसी ऐसी बाहर में घूमते वो क्या ये जो ये लगे हुए थे फसल वो उसको नहीं खा सकती, जो हम तोड़ते हैं वही उसको खाना पड़ता है। वाह भाई यार अब इन्वेंट्री को मेरे को अब ये करना पड़ेगा। छोड़ो यार अब वो कौन करते बैठेगा, फिर भी करना तो पड़ेगा ही। कैरेट लेना है भाई अपन को। चलो ले लिया। 38 कैरेट्स हो गए अपने पास। सही है यार। वहाँ पे कोपचे पे एक है उसको भी अपन एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। चलो पहले ये, इसमें तो भाई कुछ है ही नहीं मेरे को पता है। पहले सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं शायद इसमें हो सकता है। तो लेट्स सी देखते हैं भाई। काफ़ी सारे विलेजर्स मुझे लग रहे हैं अंदर। वैसे बड़ा एकदम बड़ा घर है। तो यार कहाँ पे गेट है भाई इसका। अरे पहले तो मैं यहाँ पे ही तो आया था पूरा गोल घूमना। भाई काफ़ी सारे
विलेजर्स है यार भाई ऊपर तो। और चलो खोलते हैं। ओ भाई दो एमरेल्ड मिल गए, सही है। तो अपने अपने पास अभी टोटल 5 एमरेल्ड्स हो गए हैं और एप्पल्स भी अपन को मिल गए हैं। अब अपन अपने ये हॉर्स को भी फीड कर सकते हैं, सही है यार। और ब्रेड भी ले लेते हैं अपन, वैसे ब्रेड की कोई ज़रूरत लग तो नहीं रही है, बट तुम हाँ ले ही लेते हैं अपन। वैसे छोड़, अच्छा भी रात हो चुकी है तो फटाफट से यार सो जाते हैं। ओके यार रिस्पॉन्ड सेट तो नहीं हो गया ना, क्योंकि यार अगर हो भी गया तो यार कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से याद तो नहीं है, बट हाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपन को पता चल जाएगा कि अपना घर कहाँ है। तो यार अभी बारी आती है अपने घर वापस लौटने की, क्योंकि इन घर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है? ओके ये थोड़ा अलग सा घर लग रहा है, क्योंकि ऐसे घर में मैं कभी भी नहीं आया हूँ, स्पेशली विलेज में कुछ भी नहीं है स्मोकर के अलावा। जैसे अपने पास ये फ्रूट्स वगैरह है ना, जैसे एप्पल हो गया वगैरह, अपन को बाकी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? बस बाकी सब मतलब अपन सब पूरा पूरा विलेज एक्सप्लोर कर चुके हैं यार। तो यार बस अपन अभी चलते अपने घर की ओर। एंड कहाँ से आए थे यार? कोऑर्डिनेट्स को फॉलो कर करके मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी कैरेट है बट मेरी इन्वेंट्री पूरी फुल हो चुकी है। एंड कुछ कुछ कैरेट्स अभी जो है कैरी हो सकते हैं एंड बाकी के नहीं शायद। 64 टोटल हो गए हैं। यहाँ पे फर्नेंस वगैरह है अपने पास शायद है, और यहाँ पे अपन आ चुके थे, यहाँ पे तो अपन ने चीज़ें छोड़े थे। तो या ये क्या है मेरे को पता नहीं यार, प्लीज़ कमेंट में बता देना कि ये एक्चुअली है क्या। ओके तो बस यार अभी अपने अपने घर में चलते हैं और अपन अपना घर बनाते हैं। चलो यार फटाफट से ये भी पहले यार अपन ले ही लेते हैं ये सब चीज़ें। तो यार शायद यार आज का एपिसोड जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेट्स सी। वैसे मेरे नॉर्मल वीडियोस से शायद ये वाला एपिसोड थोड़ा बड़ा है, क्योंकि यार अपन को घर भी बनाना है। अब तक अपन सिर्फ एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। ये क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, बाद में आएंगे भाई। अभी अपन माइनिंग करने के लिए नहीं जा रहे, जाएंगे धीरे धीरे सब कुछ करेंगे अपन। और ये सबसे पहले जो है यार अपन ले ही लेते हैं, क्या बोलते हैं इसे, भूल गया यार, पम्पकिन। हाँ पम्पकिन ले लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले ये क्राफ्टिंग टेबल को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इस क्राफ्टिंग टेबल का कुछ भी काम नहीं है। हमारे पास बहुत सारे वुड्स पड़े हुए हैं और अपन क्राफ्ट भी कर सकते हैं। चलो यार अपन चलते हैं अपन अपने घर में। घर बनने का ही है, जहाँ पे अपन ने अपने घर बनाने का जहाँ पे प्लेस बनाया वहाँ पे अपने रूइन पोर्टल के पास। तो चलते आए हो यार, मैं जो है सही रास्ते पे जा रहा हूँ। अगर नहीं जा रहा तो यार भटक जाऊँगा और फिर बाद में रात हो जाएगी और भाई मुसीबत तो घड़ी होनी ही है यार। शिट आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ। और गाइस ये जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, आपको अभी पता चल जाएगा कि देखो यहाँ पे एक विलेज है। और चलते अपन अपने यूरिन पोर्टल के पास। कहाँ पे है यार एक्चुअली? भाई मैं भी भूल गया, शेट एक मिनट, इस वाले पोजीशन में शायद था। एक मिनट, यहाँ पे आई डोंट थिंक सो, शायद यहाँ पे ही। अपन यहाँ पे फॉलो करेंगे, यहाँ कहीं था। हाँ यहाँ कहीं था मुझे लग रहा है शायद। हाँ, वो अपना रिन बॉर्डर मिल गया। देखो गाइस इतना करीब वो विलेज था, आप सोच भी नहीं सकते हो। और सामने तो भाई अपने विलेज ही है और एक, तो इतना मतलब क्लोज था। अपन अपना मस्त एकदम मतलब एकदम अपना ट्रेडिंग हॉल बना सकते हैं।
और यहाँ से चलते हैं बस। तो या अपने पास अभी बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं, आए फटाफट से अपन क्राफ्ट कर लेते हैं। बहुत सारे अपने पास वुड्स भी है और मतलब मज़ा आ जाएगा। ये इन्वेंट्री अभी फुल हो चुकी है। सबसे पहले गाइस मुझे जो अभी चेज बनाना है, सब कुछ प्रॉपर सेटअप करना है, फिर गाइस तब जाके अपन कर पाएंगे। तो तब तक के सबसे पहले अपन को चेज बनाना होगा, उसके लिए क्राफ्टिंग टेबल, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल गाइस मैं वहाँ पर ही छोड़ के आ गया हूँ। पहले हम यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल के लिए अपन को सबसे पहले जगह बनानी होगी। तो सबसे पहले अपन जो है क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। वहाँ पर 31 क्राफ्टिंग टेबल्स बन सकते हैं, तो एक से ही अभी सफिशियंट है। और चेस्ट फटाफट से बना लेते हैं, दो बना लेते हैं, इतने सफिशियंट है। एक दो, ठीक है, अटैच हो गया है प्रॉपरली। और बस फिर फटाफट से यार अपन अपने इस चीज़ों को शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के गाइस आई मीन शिफ्ट करने के बाद पूरा अपनी इन्वेंट्री खाली हो चुकी है, और फटाफट से अपन अपने चीज़ें जो है अभी कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन कुछ क्राफ्ट कर लेते हैं, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले अपन ये अपने वुड्स एज ऑलवेज पहले क्राफ्ट कर लेते हैं। बहुत सारे वुड्स बन रहे गाइस, जो कि यार दिखने में भाई मस्त लगता है। ये भी कलेक्ट हो गए, और भी अपन कलेक्ट कर ही लेते हैं। ये देखो भाई 90 90, मतलब अपन ये देखो हम 98 भाई 90 99 प्लस अपन ये बना सकते हैं क्राफ्टिंग टेबल। सही है यार। तो या ये हो गया है, ये सब चीज़ें एकदम कलेक्ट हो चुकी है। तो ये सबसे पहले अपन जो इतने भी अभी नए लगते हैं अपन को, कुछ कुछ अपन अपने चेस्ट में अपन शिफ्ट कर देते हैं। ओके शिफ्ट कर देते हैं। इतने अभी अभी के लिए इतने वुड सफिशियंट है अपने लिए। तो या चलो ओके। तो अभी अपन को सबसे पहले चीज़ों को पहले उतारना पड़ेगा, वरना इसकी जो ये पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, और मेरे पास वो रिपेयर वाला जो एनविल होता है वो नहीं है मेरे पास। और उसके अलावा अपन ये सब चीज़ें अपन पहन लेते हैं, क्योंकि भाई गोल्ड का है, थोड़ा एन्चेंटमेंट भी है और काम भी आ सकता है। एक मिनट भाई, ये वही तो बोलूँ भाई, इसकी इन्वेंट्री कैसी खुली। चलो फटाफट से यार अपन को भी ये क्या बोलते हैं, पैंटी बोलते हैं ना शायद, वो अपने पास तो है नहीं, क्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं। अपन के पास आयरन इनगोट्स है शायद, इसको भी साथ ले लेते हैं। अब अपन क्राफ्ट कर लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल भाई कहाँ गया, यहाँ पे। तो तीन बन सकते हैं आई थिंक, तो टोटल छः होंगे, बट अपने लिए इतने सफिशियंट नहीं है गाइज, नहीं बनने वाला यार। ये देखो एक और इंगट चाहिए अपन को, हाँ लेगिंग्स बोलते हैं इसे, सॉरी लेगिंग्स बोलते हैं। बट यार अपने लिए यार इतने सारे सफिशियंट, मतलब इतने सफिशियंट तो भाई है ही नहीं, शील्ड बना लेते हैं ये। तो गाइस यार ये देखो यार काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा हूँ। और गाइस अभी जो है मैं वीडियो एडिट कर रहा था, और फिर मैंने देखा कि ये जो वीडियो है टोटल मतलब 2 घंटे तक जाता है, और इतना वीडियो मैं अपलोड करूँ तो भाई उससे अच्छा मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर दूँ। बट यार अपना ये चैनल मोनेटाइज भाई अब तक हो नहीं गया है, इसलिए यार भाई बहुत प्रॉब्लम आ रही है एडिट करने में भी और अपलोड करने में भी। तो यार मैंने सोचा यार इस एपिसोड को पार्ट में डिवाइड करें। तो या ये जो है पार्ट 1 है, और वो सब साइड में रखते हैं। भाई मैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा हूँ यार इस आयरन पूरे एकदम आर्मर में, भाई मस्त मज़ा आ गया। तो यार इसके लिए वो आर्मर ये स्टैंड भी होता है, वो कैसे बनाते पता नहीं। तो गाइज़ यार बस आज के लिए बस इतना ही। और हाँ ये जो है एपिसोड 2 है, और जो इसका आगे का है हम उसे एपिसोड 3 बोलेंगे, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो चुका था और ऑलमोस्ट मेरे मोबाइल की मेमोरी भी फुल हो चुकी है। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो यार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।